हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 15 क्या बोलता है कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन से डील करता है और इसके अंडर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स 324 से 329 तक। अब आगे चल के बात करते हैं कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950, यानी कि 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे भी मनाया जाता है। नाउ हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स 324 से 329 आते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर। तो आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परमानेंटली बनी रहती है, संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कमिश्नर होगा जो हेड होगा और दो जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। मतलब एक चीफ होगा, मेन होगा, चेयरमैन होगा और दो साथ में होंगे। CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा प्लस 2 ECs मतलब दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। हैंस टोटल कितने हो गए, 3। एंड दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरी आज तक की सारी वीडियोस पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वो मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं बट उनको सीक्वेंस में नहीं मिल रही हैं मेरी वीडियोस। तो ऐसा होता है कि मैं एट अ टाइम 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ाती रहती हूँ तो फिर वो वीडियोज़ आगे पीछे हो जाती हैं। बट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे और वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट की थी, तो तब से लेकर अब तक 62-63 अप्रॉक्सीमेटली लेक्चर्स हो चुके हैं, इतनी वीडियोज़ भी होंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आप चाहें तो मेरी वीडियोज़ की हेल्प भी ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। टेन्योर की बात करें तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका टेन्योर थोड़ा अलग है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका टेन्योर थोड़ा अलग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर है या तो वो 6 साल तक जॉब करेंगे मतलब इसके अंडर रहेंगे, या सिर्फ 65 साल की उम्र तक। अब ये कंसेप्ट क्या है, हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं तो हम आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर कितना है, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। फाइन, नाउ एट द कमेंसमेंट टाइम इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी, मतलब जिस टाइम ये एक्चुअल में बना था उस टाइम ये सिंगल मेंबर बॉडी था। ठीक है, कब बना था एक्चुअल में, हमने अभी पढ़ा 25 जनवरी 1950 को। नाउ ऑन अक्टूबर 1993 3 मेंबर बॉडी, अक्टूबर 1993 में 3 मेंबर्स की एक बॉडी बना। ठीक है, अब इसका एम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है इसका काम क्या है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सेकंड है टू डिसाइड द टेरिटरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, थर्ड है टू प्रोवाइड वैलिडिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू मेंटेन लिस्ट ऑफ वोटर्स। तो आई डोंट थिंक इनमें से कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल है। अच्छे से इलेक्शंस हों देश में, फेयर फॉर्म में हो, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना एरिया है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, लिस्ट ऑफ वोटर्स को मेंटेन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज वैलिड है या नहीं, इलेक्शन में खड़ने लायक है या नहीं, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन थे, सुकुमार सेन। नाउ ये नहीं है, ये जिस टाइम मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम के हैं, फिर मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं की है, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टाइम करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है। ठीक है, नाउ हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट पेज पे, बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। मैंने आपको शुरू में ही कहा था ये 42nd और 44th 73rd एंड 74th, ये चारों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट है, दैट इट इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज, फॉर दिस देर इज़ अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। मतलब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है जो स्टेट लेवल पे है, ठीक है, ये पंचायतों के और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन नहीं करवाएगा। अगर पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करनी है तो हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो इसके साथ डील करेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा, प्लस नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रेसिडेंट जितने बोलेगा उतने होंगे, प्रेसिडेंट बोलेगा एक ही इलेक्शन कमिश्नर होगा तो एक ही होगा, प्रेसिडेंट बोलेगा 10 इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो 10 होंगे, प्रेसिडेंट के हिसाब से सब चलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था, फिर 16 अक्टूबर 1989 से ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। नाउ इसका भी रीज़न है कि क्यों हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है, देखते हैं। टू कोप विद द इंक्रीज्ड वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। देखिए 61वां संवैधानिक संशोधन आया 1988 में,
इसके हिसाब से क्या हुआ, जो वोट करने की एज थी वो 21 से हो गई 18। अब जो वोटर्स की लिस्ट है वो मेंटेन करनी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ गया, तो सिंगल मेंबर तो नहीं कर सकता इतना काम, तो फिर इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, ठीक है। और ये फोर्स में कब आया था, 1989 में आया था, तो उसी टाइम कमीशन भी जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी बना। 1990 में क्या हुआ, अगेन मेड सिंगल मेंबर बॉडी, जब काम ख़त्म हो गया फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 1993 से प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया, और आज तक फिर वही सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, मैटर इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, टोटल हो गए तीन, तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि चीफ जो है उसकी चलेगी, नहीं, मेजॉरिटी में चलेगा, दो लोग जिस साइड है वो फैसला माना जाएगा, ठीक है। नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर हैव सेम सैलरी एज दैट ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, दोनों की सेम सैलरी है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़्यादा सैलरी है, प्लस इनकी सैलरी किसकी तरह है, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट की उसकी तरह सेम सैलरी है। फाइन, अब आता है रिमूवल की, अगर इनको रिमूव करना है कैसे रिमूव करेंगी, ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप रिमूव कर सकते हैं, सेम उसी तरह से, दैट इज़ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे, ठीक है। नाउ ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब है कि अगर आपको रिमूव करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर को, प्रूव कीजिए कि वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब होता है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है, इनकैपेसिटी मतलब वो इनकैपेबल है अपने काम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये तो CEC का था, अगर हमें ECs को रिमूव करना है तो जो हमारा CEC है वो रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट का, उसके बाद आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट। कई पोजिशंस या कई पोस्ट ऐसी होती हैं जो होल्ड करती हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट, मतलब जब तक प्रेजिडेंट चाहेगा वो रह सकते हैं अपने ऑफिस में, बट इनका ऐसा नहीं है, ठीक है, इनका अपना कार्यकाल है। पावर्स की बात करें तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, एडवाइजरी पावर्स भी हैं, क्वेसी जुडिशियल पावर्स भी हैं। इनको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ना पड़ेगा, मुझे इतना थ्योरेटिकल पार्ट ऐड करना सही नहीं लगा तो इसलिए मैं उनसे यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में लिखा है, ये हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। वैसे मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। एक्ट ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री, किसी भी एरिया की बाउंड्री, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री कितनी रखनी है उसका है ये इसमें सिस्टम, ठीक है, बट इसे हम अलग ही वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद है नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो उसके बाद कहीं और जगह जॉब नहीं कर सकते हैं। 1990 ये कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिनेश गोस्वामी कमेटी। कमेटीज़ तो सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है मैच करने का, चार कमेटीज़ कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में बनी थी, रिकमेंडेड दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी अ 3-member कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया कि इलेक्शन कमीशन जो है 3-member कमेटी होनी चाहिए, और उसके बाद 1993 से हमने पढ़ा कि 3-member कमेटी बन भी गई, सॉरी 3-member कमीशन बन भी गया है, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो, आपको कोई डाउट भी नहीं रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं। प्लस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पर जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, HPGK के नोट्स और लेसन प्लान्स की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।